जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों की बात करें तो डायबिटीज़ एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम बनकर उभरा है। अब तो ज़्यादातर घरों में डायबिटीज़ का एक या दो मरीज तो मिल ही जाता है। युवा और वयस्कों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोग डायबिटीज़ के शिकार पाए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और अगले 30 वर्षों में ये संख्या दोगुनी से अधिक यानी कि 130 करोड़ तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में डायबिटीज़ के बढ़ते जोखिमों को लेकर लोगों को अलर्ट करने और इससे बचाव को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। और आज वर्ल्ड डायबिटीज़ के मौके पर हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के जोखिम को कम कैसे किया जा सकता है। आपको बता दें कि डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो डायबिटीज़ होती है जो बच्चों में जन्म से ही देखने को मिल सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जेनेटिक वजह से होती है। जेनेटिक का मतलब जो बच्चे को उसके माता पिता से विरासत में मिलती है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हमारे कई कारक जिम्मेदार हैं। इनमें मोटापा, हाइपरटेंशन, नींद की कमी और ख़राब लाइफस्टाइल जैसे कारक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ साथ इसके लिए जेनेटिक कारक भी जिम्मेदार हैं। डायबिटीज़ अगर एक बार किसी को हो जाए तो इसे छुटकारा पाना असंभव है, इसलिए बेहतर है कि पहले से ही सही लाइफस्टाइल अपनाकर इससे दूर रहा जा सके। तो चलिए जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मैं डायबिटीज़ से दूर रखने में मदद कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले है अपने वज़न को नियंत्रित रखना। शुगर पर लगाम लगाने के लिए वज़न को कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कई रिसर्च में बात सामने आ चुकी है कि जिन डायबिटीज़ के मरीजों ने अपने वज़न को कंट्रोल किया है उनके ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल हो गया है। फिजिकली एक्टिव रहें, हमेशा किसी ना किसी काम में खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। इसके लिए आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज, रोज़ाना पैदल चलना या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं या घर के काम को नियमित रूप से कर सकते हैं। इसके बाद बारी है हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी रहने के लिए हमेशा ही हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। कम कैलोरी, खास करके लो सैचुरेटेड फैट वाला खाना खाएं। डायबिटीज़ से बचने के लिए हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, टमाटर, फल, बिना स्टार्च वाली सब्जियां, दाल और गोभी और बीन्स खाएं। इसके बाद बारी है पर्याप्त नींद की। रोज़ाना रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। इसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करें। अध्ययन से पता चला है कि तनाव के हार्मोन्स ब्लड शुगर लेवल में बदलाव लाते हैं और सीधा आपके डायबिटीज़ के जोखिम को बढ़ाते हैं। अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा या आप संगीत सुन सकते हैं। ऐसी कोई भी गतिविधि करें जो आपको तनाव से दूर और खुश रहने में मदद करे। इसके बाद बारी आती है सिगरेट और अल्कोहल से दूरी बनाएं। धूम्रपान करने वाले और ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों को भी डायबिटीज़ होने का खतरा बना रहता है, इसलिए धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी नियमित जांच कराएं। अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो समय समय पर अपना शुगर लेवल भी चेक करवाते रहें। ये वो आसान उपाय हैं जिससे आप इस तरह की गंभीर और सीरियस बीमारी से दूर रह सकते हैं। अगर आपको खबर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।